सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, ऐसे इनको नंबर्स में इतना ज्यादा लगाव था, इतना लगाव था कि इन्होंने इतना चीजें दिया ना, जब पाई की वैल्यू डेसिमल के दो स्थान तक लोग कैलकुलेट किए हुए थे, तीन स्थान तक, चार स्थान तक कैलकुलेट किए हुए थे, उस टाइम ये बंदा 10 स्थान तक कैलकुलेट करके रखे हुए थे पाई का वैल्यू एक्यूरेटली 10 12 11 स्थान तक, बिना कंप्यूटर का, कोई कंप्यूटर का यूज नहीं, इन्होंने अपना सीरीज बनाया हुआ था। कहते थे कि ये साहब रामानंद साहब ऐसा ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते थे कि लोगों को गणित, जो गणित के सबसे महान टीचर होते थे जो अपने शहर में अपने स्टेट में, उनको भी बात से पल्ले नहीं पड़ता था। ठीक है, बताओ इतने गरीब जगह से उठ करके इनके टैलेंट को पहचाना कौन, जानते कैसे पहचाना गया? एक थे प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आई थिंक, ओके, तो वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेशनल मैथमेटिशियन थे, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इनको ये अपना पूरा जो काम किए हुए थे नंबर थ्योरी पे और भी चीज़ों पे, मैथमेटिक्स पे, सबका थ्योरी का कुछ पार्ट उन्होंने लिख करके अपने इसको प्रूफ के साथ डिटेल्स के साथ उनके लिफाफा में, क्योंकि इनको कभी पेपर पर रखना तो वो मैथमेटिशियन का उनका एड्रेस वड्रेस वहाँ से जुगाड़ कर लिया और उनको पूरा अपना काम भेज दिया। ठीक है, तो कई सारे मैथमेटिशियन को गया बट उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं लिया, ये कौन आदमी है, कचरा में फेंक दिया। प्रोफेसर हार्डी को जब मिला इनका लेटर तो वो देखें इनके काम को देख करके बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो कहे कि हम लोग ऐसा कोई सोच ही नहीं सकते, माने ऐसा ऐसा समस्या सॉल्व किया हुआ था, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ था जो पहले के मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर पाए थे, माने ये इनकी खासियत थी, और वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। फिर इनको बुलाया गया, ये बहुत परेशानी में थे, बहुत परेशानी थे, गरीब घर के थे और गणित से इनको इतना लगाव था कि कहते थे गणित इतना बनाते थे कि छोटी उम्र में ही हायर क्लास के पूरे मैथमेटिक्स को क्या कर चुके थे, सॉल्व कर चुके पूरा, ये केवल 11 12 वाला मैथमेटिक्स छोड़ो, एडवांस मैथमेटिक्स को, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर चुके थे जो पॉपुलर लेवल का था उस टाइम में, मैथमेटिक्स अभी भी है, ओके।